भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मैं रहे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने जो आज विद्युत कर्मचारियों की एक भी उनकी जो भविष्य निधि होती है उसकी उनकी बेचारे पसीने की कमाई गाड़ी की जो उनकी कमाई है उसको ये ऊर्जा मंत्री जी ने एक अपनी संदिग्ध जो सन पब्लिक कंपनी है वो बाहर की जो दुबई में जाकर उन्होंने जो इनकी कमाई को वहाँ दिया है उसके प्रदर्शन में हमारे जो विद्युत कर्मी हैं वो जिला स्तर पर अपना आंदोलन की जो कर रहे हैं। तो हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार ने ये उनका उनसे कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी आपके साथ हैं, अगर आपके साथ ये अन्याय होता है तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। सड़क से सदन तक लड़ाई विद्युत कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अब ये समझ जाए, क्योंकि अब जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं वो भी गुहार लगाने लगे हैं जनता से कि आप लोग मेरा साथ दो। जो रक्षक होते हैं
इस देश के, उनको भी भक्षक बनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये सरकार हर मुद्दे पर, हर विकास पर विफल हो रही है, और मैं मांग करती हूँ ऊर्जा मंत्री जी से तुरंत अपना नैतिक अधिकार समझते हुए इससे इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आज यहाँ पर टोरेंट पावर पे अपने विद्युत कर्मियों के ऑफिस के सामने उनके श्रीकांत शर्मा जी का पुतला दहन करती हूँ, और ये मांग करती हूँ कि तुरंत अपना नैतिक जिम्मेदारी जान सकते अपने इस्तीफा की मांग करती है मोरी कांग्रेस पार्टी। जी आप दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा किसानों की, मजदूरों की और गरीबों की हित की बात की है, उनकी लड़ाई लड़ी है, और अब हम लोगों ने ये प्रण लिया है, हमारी महासचिव प्रियंका जी का ये प्रण है कि अब हम आखिरी पायदान के एक जो मजदूर है उस तक हमारी पहुंच होगी, उस तक हम पहुंचेंगे और उसकी मदद के लिए हम खड़े होंगे। यहाँ कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कांग्रेस पूरी पार्टी, हमारी सरकार, कांग्रेस के सारे पदाधिकारी उनके साथ है, और उसी के तहत श्रीकांत जी का आज पुतला हम दहन कर रहे हैं, और आगे की लड़ाई हमारी 15 तक जारी रहेगी। थैंक यू। प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, क्या है ये? श्रीकांत शर्मा द्वारा जो 26,000 करोड़ रुपए का जो कर्मचारी भविष्य निधि को घोटाला किया है, उस संबंध में कांग्रेस पूर्ण रूप से कर्मचारियों साथ होकर के और आंदोलन पर उतर चुकी है, और हम उसी के परिपक्ष में आज यहाँ पर पुतला फूंकने के लिए श्रीकांत शर्मा का आए हैं, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी ईमानदार बनती थी, जो ईमानदारी के कगार दूसरों को बेईमान कह करके सत्ता में आई थी, आज उसका आप हाल देख रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जनता से भी अनुरोध करूँगा कि कुछ देख लीजिए, जो ईमानदारी पर पद पर आए थे वो बेईमान किस तरह से हुआ।